डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में हम डिटरमिनेंट के एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम को हैंडल करेंगे। प्रॉब्लम में दिया गया है कि एक डिटरमिनेंट है जिसके एलिमेंट स्मॉल a1 से लेके c3 तक हैं, और हमको प्रूफ करना है कि उसके कोफैक्टर से बना डिटरमिनेंट जिसके एलिमेंट कैपिटल a1 से c3 तक हैं उसकी वैल्यू डेल्टा स्क्वायर के बराबर होगी। कोफैक्टर का मतलब होता है कि एलिमेंट के एक्सपेंशन में उसका कोफिशियंट जो आता है वही उसका कोफैक्टर होता है। जैसे स्मॉल a1 का कोफैक्टर होगा b2c3 - b3c2। तो इस प्रॉब्लम की शुरुआत डिटरमिनेंट और उसके कोफैक्टर के डिटरमिनेंट के मल्टीप्लिकेशन से करते हैं। मल्टीप्लिकेशन के बाद एलिमेंट और कोफैक्टर जब सेम सफिक्स के हैं तो उसकी वैल्यू डेल्टा के बराबर होगी, और जब डिफरेंट सफिक्स के हैं तो उसकी वैल्यू जीरो होगी। इसलिए मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू डेल्टा क्यूब के बराबर होगी और कोफैक्टर के डिटरमिनेंट की वैल्यू डेल्टा स्क्वायर के बराबर होगी। इफ यूजफुल प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।